हेलो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि बहुत टाइम के बाद अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मुर्गों का थोड़ा सा जो था मेरा, ओनली मैंने शौक के लिए रखे हुए थे, अभी हमने सेल कर दिए हैं सभी, ठीक है। तो छोटा सा इनके लिए खुड्डा बनाया है मैंने, उसको कुत्तों के लिए, डॉग्स के लिए, बड़े शेड को फिर से दोबारा डॉग्स के लिए ही ओपन कर दिया है हमने, ठीक है ना। तो कोई वजह थी कि हमें डॉग छोड़ने पड़े थे पहले, ठीक है। पहले हम डॉग्स जो कि रखते थे, हमारे पास बहुत ब्रीड्स के डॉग होते थे हमारे पास, ठीक है, जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर, अपना पोमेरियन, ऐसे हम कई टाइप के हमारे पास डॉग थे पहले। तो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसीलिए डॉग्स को छोड़ना पड़ा, त्यागना पड़ा। और मैंने कहा, सोचा कि केज जो खाली पड़ा है तो इसमें मैंने मुर्गियां छोड़ दी। और उसके बाद मुर्गियों का कुछ ऐसा ही शौक पड़ा, अंडों के लिए रखी थी, तो फिर से वहीं पे आ गया हूँ। मैंने सारी सेल कर दी है, अभी ये कुछ कड़कनाथ है और दो फैंसी मिक्स हैं, दो फैंसी मुर्गियां हैं सॉरी, और ये कुछ कड़कनाथ है। कड़कनाथ हमारे पास हैं चार हैं, दो मुर्गे, दो मुर्गियां और दो फैंसी मुर्गियां हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये हमने बना दिया है इतनी सी जगह में, बुरा तो है बट इनके लिए ठीक है, खुली जगह पूरी। ये देखो 10 फीट इधर को है, ठीक है फ्रेंड्स, और 5.5 फीट इधर को है, 5.5 से ज़्यादा ही है इधर को है मेरी तरफ को, ठीक है। वीडियो में शायद छोटा लग रहा हो, तो ये मैंने बना दिया, ठीक है। 24 घंटे ये अपना, यहाँ पे 12 घंटे ये अपना खुला रहते हैं यहाँ पे ओपन, ठीक है। और देखो कहाँ पे बैठे हैं आराम से। तो हमें हर रोज़ अंडे मिल रहे हैं, कभी 2, कभी 4, कभी 5, और कभी कभी तो मुर्गियां जो हैं पूरे 5 अंडे दे देती हैं, कभी 2, कभी 3, ऐसे भी मिलते रहते हैं अंडे, ठीक है। और अभी डॉग्स पर वीडियोस आने स्टार्ट होंगी हमारी, ठीक है ना। 2 फीमेल्स हमने जो कि दोबारा से लाया था मैं, उन्होंने बच्चे कंसीड कर लिए हैं, तो देखते हैं कि कब तक फीमेल्स बच्चे देती हैं, ठीक है ना। तो धीमे धीमे हम बढ़ाते जाएंगे, फिर से वही वाली स्टार्ट करेंगे। और भाई पंजाबियों का शौक तो मैं आपको मालूम ही है, कुत्ते, घोड़े, ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों का शौक ज़्यादातर होता है हमें। और अभी वहाँ पे 2 केज थे, जो वहाँ पे 3 केज थे, ये गंदगी वगैरह सब वहाँ पे फेंक दी है। अभी ये जो कुर्सियाँ वगैरह है सब तोड़ के जला दूंगा मैं इनको अच्छे से। वहाँ पे 2 केज हैं, उसमें असील मुर्गे, ओनली असील, जो कि हम असील रखते हैं ना, क्वालिटी वाले असील, बढ़िया वाले, ओनली वो असील होंगे। ये कड़कनाथ हंडों के लिए, देसी और फैंसी मुर्गियाँ बच्चे निकालने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें मेरे आराम से अराउंड 15 मुर्गे आराम से आ सकते हैं। तो अंडों के लिए हम ओनली कड़कनाथ मुर्गियां जो हैं और क्रॉयलर मिक्स मुर्गियां छोड़ेंगे, 2 कड़कनाथ मुर्गे ओनली इसमें होंगे, मुर्गा कोई भी क्रॉयलर नहीं होगा। अगर होगा तो उसको हम अलग रखेंगे सेपरेट, जिससे कि वो आगे चिकन का पर्पज़ के लिए होंगे, 1-2 मुर्गे सर्दियों के लिए, ठीक है ना। और वो बैठी हमारी फैंसी मुर्गी, जूम करके दिखाता हूँ, जंगली मुर्गी कहते हैं इसको हम। अभी सफाई की थी मैंने सुबह ही, ये खुली होने के कारण कुछ ज़्यादा ही इन्होंने फैला दिया है गंदगी। और उस केज में अभी इनको भेजेंगे, मिट्टी का बनाया है मैंने पहले ही सोच के, सब तरफ से जालियाँ हैं 3 तरफ से, ठीक है, हवा आती है ओपन, पूरा ओके रिपोर्ट का है। अंदर दानों के लिए, फीड के लिए मैंने अंदर वहाँ पे फीडर रखा है बड़े वाला, ये देखो
मेरे दोनों ही मुर्गे हरामी हैं। और ये लो निकल गई। तो फ्रेंड्स अभी वहाँ पे टायर रखा है मैंने अंडों के लिए, जिसमें अंडे देती हैं ये, उसमें थोड़ा सा मैंने भूसी वगैरह डाल दी है, और नीचे इनके कुछ नहीं डाला मैंने पैरों के नीचे, ठीक है। और पानी के लिए ड्रिंकर रख दिया है, बड़ा फीडर रख दिया है अंदर, जंबो फीडर, जंबो ड्रिंकर रखा हुआ है, सॉरी छोटा ड्रिंकर है। पानी तो इनको ज़्यादा नहीं, फीड का जो ज़्यादा है वही चक्कर है। तो कैसा लगा मेरे को बताना, ठीक है ना। वो कपड़े को नीचे फेंक देता हूँ रात को, क्योंकि कुछ भी कहो चाहे गर्मी का टाइम है, एकदम से जो ठंड होती है वो मुर्गे को ख़राब करती है। हवा आती है इधर से है, यहाँ पे जंगले की तरफ से, ठीक है, जो बाउंड्री की हुई है हमारी छत पे, उससे हवा आती है, आराम से आती है। थोड़ा सा मैंने उस पे ऊपर कपड़ा डाल देता हूँ, ये तरपाल है, इसमें हवा नहीं जाती वहाँ पे। अब कपड़ा डालने के कारण उसके जो छेद हैं छोटे छोटे, उसमें से हवा जाती है और उधर से निकल जाती है, जहाँ शेड में से जाती है इधर से निकल जाती है। अब आप देखना कि भाई शेड को हम क्या बनाते हैं, क्या से क्या बनाएंगे, और लाते हैं हम डॉग्स को वापस और देखते हैं। ये मुर्गियाँ ओनली अंडों के लिए, क्योंकि मेरा कुछ मुश्किल हो रहा था फ्रेंड्स, कुछ भी कहो कैसा भी कहो, ठीक है ना, मेरा इसलिए मुश्किल हो रहा था। लेयर के अंडे यार वो खाली फीड खाली मिट्टी खाली एक बराबर होते हैं, सफ़ेद वाले, आपको मालूम ही है, आप भी मुर्गियां पालते हो। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और लाइक सब्सक्राइब तो आपकी मर्ज़ी है, मुर्गों की, कुत्तों की, और एनी एनिमल्स, बर्ड्स, सबके रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी, तो सब्सक्राइब करना ना ही भूलें, ठीक है ना। बेल का ऑप्शन ज़रूर ओपन कर लें, ऑन कर लें, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और वो देखो मुर्गी कहाँ चली गई है। ओके फ्रेंड्स, तो ख्याल रखना, बच के रहना भाई, कोरोना से लॉकडाउन लगा हुआ है, और सब अपने पंछियों का, बर्ड फ्लू भी बहुत फैला है यहाँ पे पंजाब में, ठीक है, बहुत से मुर्गे मुर्गियाँ यहाँ पे मार दिए गए हैं बर्ड फ्लू के कारण। तो अपना और अपने जानवरों का ख्याल रखो भाई, और डॉग्स में भी बहुत बुरी बीमारी आई हुई है अभी, पार्वो खासली पप्पीज़ को बहुत ज़्यादा होती है, तो वैक्सीनेशन करना मत भूलिए। मुर्गियों का तो चलो चलता है, ये बाहर घूमती हैं तो उसमें हमें ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है, इनको एंटीबायोटिक दिया जाता है टाइम पे। पर डॉग्स का ये है कि इनकी बीमारी कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक होती है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अपने डॉग्स की और मुर्गियों की वैक्सीनेशन तो करते ही रहिए। और ओके फ्रेंड्स, बाय।